नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकैट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। एज अ साइकैट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ केड़कर हॉस्पिटल में, अकोला, महाराष्ट्र में। मैं बहुत सारे वीडियोस साइकैट्री के बारे में लेकर आया हूँ अभी तक। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो बोलते हैं कुछ मोटिवेशनल टॉक बताइए, कुछ मोटिवेशनल स्पीच बताइए, एग्जाम गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो। तो उसके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ कुछ ऐसे वीडियोस की, जिसमें मैं एकदम लाइव जो ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताऊँगा, कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, जिससे आपको आपके लाइफ में उसका यूज़ करके आप आपके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट बताने वाला हूँ मैं, ये स्पेशली वीडियोस एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, 11th, 12th ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये पॉइंट्स यूज़ करके वो बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और वो पॉइंट्स को अगर उन्हें अप्लाई किया अपनी लाइफ में तो उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10-15% का फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेके आया हूँ वो है कैश। कैश मतलब पैसा नहीं, कैश मतलब KASHS। कैश के मतलब नॉलेज, ए मतलब एटीट्यूड, एस मतलब स्किल्स, एच मतलब हैबिट्स, एस मतलब स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नॉलेज। कोई भी एग्जाम में या कोई भी फील्ड में अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है नॉलेज। नॉलेज के बिना कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता नहीं। वो व्यक्ति कितना भी बोले कि मेरा लक अच्छा था इसलिए मैंने अच्छा परफॉर्म किया, या लक खराब था इसलिए मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसमें कुछ भी डिपेंड नहीं है। डिपेंड सिर्फ एक ही चीज़ पे करता है, वो है हमको नॉलेज कितना है वो पर्टिकुलर विषय का। इसलिए कोई भी कुछ भी बोल ले, लेकिन हमारी पढ़ाई, हमारा नॉलेज एकदम A1 चाहिए। तो के मतलब नॉलेज। नंबर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कोई भी काम करने की हमारी इच्छा कितनी है उसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब इच्छा शक्ति, पैशन जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एटीट्यूड। ऐसा बोला जाता है कोई भी अगर फील्ड में, कोई भी एग्जाम में हमको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 85% सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड एंड ओनली 15% डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। इसलिए अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो हमारा एटीट्यूड अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, फोकस्ड एटीट्यूड चाहिए। अगर एटीट्यूड अच्छा होगा तो हम आगे आगे बढ़ेंगे, अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, निगेटिव एटीट्यूड होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरे में ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं छोटे कद का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर ऐसा एटीट्यूड हमारा रहा, रोतला एटीट्यूड अगर हमारा रहा तो हम सक्सेसफुल हो सकते नहीं। इसमें एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक फुगे वाला था, मतलब बलून सेलर था, जो गुब्बारे बेचता था, अलग अलग प्रकार के गुब्बारे बेचता था, लाल, काला, नीला, हरा, ऐसे अलग अलग गुब्बारे वो व्यक्ति बेचता था। तो दूर ही एक निग्रो, काला सा बच्चा, वो सब देखता था, और एक दिन उससे रहा नहीं गया। वो जब देखता था कि अलग अलग बच्चे आते हैं, वो गुब्बारे हाथ में लेते हैं, खरीदते हैं और उसको उड़ाते हैं, तो वो निग्रो जो बच्चा था वो गुब्बारे वाले के पास आया और गुब्बारे वाले अंकल को बोला, अंकल अंकल ये काला रंग का गुब्बारा अगर मैंने हवा में उड़ाया तो क्या ये भी उड़ेगा? तो गुब्बारे वाले जो अंकल थे वो हंस पड़े। वो बोले, बेटा गुब्बारे का ऊपर आकाश में जाना या ना जाना ये उसके रंग पे निर्भर नहीं है, पर उसके अंदर क्या कंटेंट छुपा है, उसके अंदर क्या भरा है, उसके अंदर हीलियम गैस भरा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये गुब्बारा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। इसका क्लियर इंडिकेशन है कोई भी व्यक्ति का ऊपर जाना या ना जाना, सक्सेसफुल होना या ना होना, ये उसका रंग क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका कास्ट क्या है, वो लड़का है लड़की है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, कौन से गांव से है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, पर उसके अंदर क्या इच्छा शक्ति है, कितनी पैशन है, कितना डिजायर है सक्सेसफुल होने का, उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसलिए जैसे मैं कैश के बारे में बता रहा था, मैंने बताया के इज नॉलेज, ए इज एटीट्यूड, नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स मतलब जो हमारे गुण होते हैं, कला होती है, उसको बोलते हैं स्किल्स। लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो स्किल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि पढ़ाई के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, पढ़ाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये मानता नहीं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्किल्स यूज करके बहुत आगे बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने स्किल्स अपनी क्रिएटिविटी यूज करके वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि आज वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री है अगर वो जिंदा होते तो। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी लेकिन जो अपना क्रिकेटिंग स्किल्स यूज करके वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर वो बने इंडिया के। इसलिए हमारे लाइफ में स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है। मैं जब मुंबई में था तब मैं ये देखता था कि ऐसे बहुत सारे सलून वाले हैं, बहुत सारे वड़ा पाव बेचने वाले, भेल बेचने वाले हैं, जिन्होंने अपना लाखों का एम्पायर खड़ा किया है। ऐसे कोई सलून वाले हैं जो मुंबई में एक एक कटिंग के 3,000 या 5,000 रुपए भी लेते हैं। तो इसलिए स्किल्स अच्छे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है हैबिट्स। कैश में फोर्थ पॉइंट है हैबिट्स। हैबिट मतलब हमारी आदतें कैसी है। अच्छी आदतें होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ। अगर हम कोई भी चीज, अच्छी चीज बार बार करते हैं तो हमें अच्छी आदतें लगती है। अगर हम कोई भी बुरी चीज बार बार करते हैं तो हमें बुरी आदतें लगती है। कोई भी व्यक्ति को अगर अच्छी आदतें लगानी है तो उसे कोई भी वो जो पर्टिकुलर चीज है वो कंटिन्यू 3 महीने करनी पड़ेगी तो वो उसे सक्सेसफुली अच्छी से निभा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो ऐसे करके अगर हम पॉजिटिव हैबिट्स लगाते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो है कैश। कैश मतलब के मतलब नॉलेज, ए मतलब एटीट्यूड, एस मतलब स्किल्स, एच मतलब हैबिट्स और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है स्ट्रैटेजी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे की जो सीरीज है वो लेके आऊंगा। धन्यवाद।